बॉम्ब बॉम्ब एक ऐसा वेपन है जो कि एक ही बार में पूरे एरिया को तहस महस कर सकता है, और बॉम्ब के फटने के बाद उस एरिया में कुछ भी नहीं बचेगा, वो पूरा एरिया टोटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब ऐसी भी बात नहीं है कि बॉम्ब सिर्फ एक ही एरिया को डिस्ट्रॉय करे, वो पूरी सिटी को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये उस बॉम्ब पे डिपेंड करता है कि वो बॉम्ब कितना पावरफुल है। अब कुछ बॉम्ब ऐसे होते हैं जो कि एक एरिया को ही डिस्ट्रॉय करते हैं, और कुछ बॉम्ब ऐसे होते हैं जो कि पूरे शहर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और कुछ बॉम्ब ऐसे भी होते हैं जो कि 5 सिटियों को एक साथ ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और कुछ बॉम्ब ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल भी डिस्ट्रक्शन नहीं करते, वो बस आवाज करते हैं, और कुछ बॉम्ब ऐसे होते हैं जो कि गैस प्रोड्यूस करते हैं फटने के बाद। और बेन 10 की सीरीज में भी हमें काफी सारे यूनिक बॉम्ब दिखाए गए हैं। कुछ बॉम्ब ऐसे थे जो कि फटने पर इंसानों को किसी और में चेंज कर देते थे, और कुछ बॉम्ब तो इतने पावरफुल थे कि यूनिवर्स को ही डिस्ट्रॉय कर देते थे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बेन 10 यूनिवर्स के टॉप 5 पावरफुल बॉम्ब के बारे में बताने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना, और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। नंबर 5, न्यूक्लियर फ्यूजन ग्रेनेड। अब ये भी एक तरह का बॉम्ब है जो कि सबसे पहले हमें बेन 10 एलियन फोर्स में देखने को मिला था। इसे सबसे पहले यूज किया था ग्रैंडपा मैक्स ने हाइब्रिड्स का पोर्टल गेट तोड़ने के लिए, फिर इसको साइफन ने यूज किया, फिर बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज में रिडल ब्रदर्स ने इसे यूज किया, लेकिन अल्टीमेट एक्वा ने इसका डिस्ट्रक्शन होने से पहले ही उसे स्पेस में जाकर कहीं फाड़ दिया। फिर हमें ये बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज के बेसिक ट्रेनिंग एपिसोड में देखने को मिला। ये वहाँ पर फट चुका था, लेकिन फास्ट ट्रैक ने कैसे भी करके सिचुएशन हैंडल कर ली। ये बॉम्ब ज्यादा तो डिस्ट्रक्शन नहीं करता, लेकिन ये बॉम्ब भी काफी पावरफुल है। नंबर 4, डिवोल्यूशन बॉम्ब। इसको बनाया था डॉक्टर एनिमो ने, और ये सबसे पहले हमें एक्सेप्ट फ्रॉम एग्रेगर एपिसोड में देखने को मिला था। ये बॉम्ब इतना कैपेबल था कि ये पूरे शहर के लोगों को येटी में चेंज कर सकता था। अपना डिवोल्यूशन बॉम्ब एक्टिवेट कर दिया है, और उस धमाके की चपेट में आने वाला हर कोई यती बन जाएगा। लेकिन केविन और ग्वेन ने कैसे भी करके इस बॉम्ब को फटने से रोक लिया, जिसकी वजह से कोई भी यती नहीं बना। ये बॉम्ब हमें सिर्फ एक एपिसोड में देखने को मिला था, इसीलिए इस बॉम्ब के बारे में सिर्फ इतना पता है कि ये पूरे शहर के लोगों को यती बनाने की दम रखता था। नंबर 3, क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब। क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब को हमने सबसे पहले बेन 10 ओमनीवर्स के एंड देन देयर वेयर नन एपिसोड में देखा था, जहाँ पर इस बॉम्ब ने सारे के सारे अल्टरनेट टाइमलाइन के बेन 10 को इरेज कर दिया था। अब ये बॉम्ब इतना कैपेबल है कि ये पूरी अर्थ के लोगों को तबाह करने की दम रखता है, लेकिन अगर इसमें सेट किया जाए कि ये किस टाइमलाइन को इरेज करे और किस टाइमलाइन को इरेज ना करे, तो ये उसी टाइमलाइन को इरेज करेगा जो कि इसमें सेट की गई है। इसे विलगैक्स ने लिया था एंड ऑफ एरा एपिसोड के टाइम माल्ट्रुएंट से, फिर विलगैक्स ने इसे पहली और आखिरी बार बेन 10 ओमनीवर्स के एंड देन देयर वेयर नन एपिसोड में ही यूज किया था। नंबर 2, एनाइलाक। एनाइलाक बॉम्ब का क्रिएशन किया था कॉन्टी मिलिया ने, क्योंकि वो यूनिवर्सेस को तबाह करके यूनिवर्सेस को क्रिएट करते रहते हैं। और एनाइलाक बॉम्ब को हमने सबसे पहले देखा था सो लॉन्ग थैंक्स फॉर ऑल स्मूदीज एपिसोड में, जहां पर एपिसोड के एंड में ये बॉम्ब फट भी चुका था, लेकिन एलियन एक्स ने दोबारा से यूनिवर्स को क्रिएट कर दिया। और इस बॉम्ब को हमने आखिरी बार देखा था बेन 10 ओमनीवर्स के ए न्यू डाउन एपिसोड में, जहां पर इस बॉम्ब के फटने के बाद बिग बैंग हुआ था। नंबर 1, ओमनीट्रिक्स या अल्टीमेट्रिक्स। हाँ, ये दोनों भी एक बॉम्ब की तरह काम करती हैं, क्योंकि इन दोनों के ही अंदर सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड है, और इन दोनों का सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड अगर अच्छी तरीके से रिचार्ज हो जाए तो ये पूरे यूनिवर्स को भी तबाह कर सकता है। तो इसीलिए ओमनीट्रिक्स और अल्टीमेट्रिक्स भी एक काफी पावरफुल बॉम्ब है। लेकिन आप लोग मेरे को नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना कि आपने नंबर 1 पर कौन सा बॉम्ब सोचा था, क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब, एनाइलाक बॉम्ब या ओमनीट्रिक्स अल्टीमेट्रिक्स, मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, यही थे टॉप 5 बेन 10 के यूनिवर्स के काफी ज्यादा पावरफुल बॉम्ब, जिनमें से 3 बॉम्ब तो पूरे यूनिवर्स को खत्म करने की दम रखते हैं। तो बस यही थी आज की वीडियो। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और ऐसी ही और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। और मैं डॉक्टर एनिमो। हेलो, ये मैं क्या लगा रखा है, हम तुम्हारा नाम जानते हैं।